आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि देखिए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल करके आया था, जिसका यानी कि फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो गया। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन निकला था टोटल 4096 पोस्ट पर टोटल निकल करके आया था। ठीक है, इसका फॉर्म भरने का डेट था 16 अगस्त 2024 से लेकर के 16 सितंबर 2024 तक, जो कि ये डेट पास हो गया है। अभी फॉर्म भरा रहा है प्रयागराज का, उसके बाद देखिए 23 से स्टार्ट हो जाएगा आपका इस जगह पे, जो कि अभी लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप आया वेस्टर्न रेलवे का। उसके बाद आपका 24 से स्टार्ट हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे का भराना, तीन जगह का टोटल भराना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो वो सबका सभी का वीडियो में बना करके बता दिया हूँ, प्रयागराज का बता दिया हूँ कि कैसे कैसे भरना है, और बाकी ये ईस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का फुल नोटिफिकेशन के वीडियो में बना दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखेंगे तो जा करके देखिएगा, और जो जो प्रयागराज में भर रहे हैं और जिनका ITI पास हुआ है 15 सितंबर को, तो उनको भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे तो सारा कुछ डिटेल से बताएं उस वीडियो में, आप लोग जा करके देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नॉर्दर्न रेलवे जो कि दिल्ली की तरफ से आया था अप्रेंटिसशिप का, जो कि इसका जो एक कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट आएगा कब आएगा, तो नवंबर 2024 में आएगा। ठीक है, ये लिख दिया गया यहाँ पे, तो आपको मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ में इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए कितना कितना कट ऑफ गया था, कौन से ट्रेड में और कौन से कैटेगरी में, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और लगभग 1 से 2% आप लोग बढ़ा लीजिएगा, इस बार ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है क्योंकि हर एक साल 1 से 2% 3 से 4% इतना बढ़ता है लगभग। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकाला जाता है उसमें कट ऑफ जारी किया गया है नॉर्दर्न रेलवे का, जो कि 2023 में आया था एक्ट अप्रेंटिसशिप उसका है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम का दौर चल रहा है और इसमें देखिए आपको जो है टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए आप टेस्ट लगाते हैं तो बहुत जगह आने की फी आने की लगता है, लेकिन देखिए अभी मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जिसमें आपको जो फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चाहे वो NTPC का तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी का, ALP का, RPF का, चाहे आप कोई भी रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पे टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ऐप लेकर के आया हूँ जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से है। आपको कैसे डाउनलोड करना है, देखिए आप लोग जो प्ले स्टोर में जाइएगा, आपको KICX ऐप लिखना है, आपके सामने देखिए ये वाला जो सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो ओपन करना है इस प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ पे नया यूजर है तो आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको जो है सिंपली रजिस्टर पर यहाँ पे क्लिक कर देना, उसके बाद नेक्स्ट में जाना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आखिर आपके सामने यहाँ पे फुल नेम आएगा, आपका अपना नाम दे देना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे दे देना है अपना, कभी यानी कि अपना मन से पासवर्ड सेव कर लेना है और वही पासवर्ड को फिर से देना है, उसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे OTP आएगा, OTP आपको मोबाइल नंबर में जो आएगा वो आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा, उसको सबमिट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, जिस लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐप को चलाना चाहते हैं आप जो है चूज कर सकते हैं। उसको सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट पर आपको आना है। नेक्स्ट पर आने के बाद देखिए आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई रेलवे NTPC का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे NTPC में टिक करेगा, और अगर ये सारा एग्जाम को आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सारा में टिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 98 यहाँ पे एग्जाम जो है टोटल यहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया सेट। ठीक है, टेस्ट फ्री में बनाया गया, तो अगर मान के चले आप NTPC की तैयारी कर रहे तो NTPC में आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिए आप NTPC में क्लिक किए तो आपके सामने यहाँ पे इस जगह पे रेलवे NTPC मेंस, और देखिए आपको पास जो है 529 टेस्ट टोटल आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस नाउ पर क्लिक करना है, प्रैक्टिस नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे NTPC मेंस आपके सामने देखिए सेट 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से करके पूरा आने की मैथ का आ गया 5 सेट, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद इसी तरह से करके, और आपको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है फ्री टेस्ट। तो इसी प्रकार से करके आप लोग जो है ALP टेक्नीशियन, RPF भी एग्जाम है रेलवे का, सभी आप लोग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं इस ऐप से फ्री में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है ये ऐप का, आप लोग जो है उस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर में जाकर के यहाँ पे KICX आप लोग जो है वहाँ पे लिखिएगा, आपके सामने आ जाएगा, और आप लोग जो है डाउनलोड करके इसको जो जिस प्रकार से बताएं उस प्रकार से आप लोग जो है टेस्ट देना आप लोग जो है स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भाई फ्री में वहाँ पे बहुत कम ही लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको इस प्रकार से डाउनलोड करना है, उस करके डेली का एक टेस्ट यानी कि लगाना ही लगाना। ठीक है, और उसका एनालिसिस भी करना, ये नहीं कि टेस्ट लगा करके उसको भूल गए, आपको देखना है कि कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है। तो चलिए अब वीडियो हम लोग आगे बढ़ते, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे अलग अलग क्लस्टर से अलग अलग डिवीजन से निकाला जाता है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे अंबाला, ये क्लस्टर जो है ये अंबाला का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा अंबाला का है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कारपेंटर का UR से देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ तैयार किया गया है, यहाँ पे 10th प्लस में ITI, ये दोनों में जितना परसेंटेज आता है दोनों को जोड़ करके, ठीक है, 200 भागा दीजिएगा तो उसी प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि 10th का परसेंटेज प्लस में ITI का परसेंट दोनों को जोड़ करके ही यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया गया है पिछला बार। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ दिया गया है, आप लोग 200 भागा दीजिएगा फिर भी वही बनेगा, और 200 भागा नहीं दीजिएगा फिर भी वही बनेगा, यानी कि सेम ही बनता है। ठीक है, तो 10th का परसेंटेज प्लस में ITI का परसेंटेज जोड़ करके यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया गया है, आप लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अम्बाला का हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पे। सबसे पहले कारपेंटर ट्रेड का देखते हैं, यूआर में कितना गया था, तो 146 गया था। ठीक है, आपका टेंथ का परसेंटेज और आईटीआई का परसेंटेज जोड़ करके यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आपका कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना गया था पिछला बार। ठीक है, यूआर में। उसके बाद एससी में आप लोग देख सकते हैं कि 139 गया था। उसके बाद एसटी में आप लोग देख सकते हैं कि 1, यहाँ पे एसटी का नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का आप लोग देख सकते हैं 138 गया था। और सेलेक्टेड कैंडिडेट भी यहाँ पे बताया गया था पिछला बार कि यहाँ पे 12 सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे देखिए 0 सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 8 सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 23 सेलेक्ट हुए, इस प्रकार से बताया गया सारा कुछ। ठीक है, और बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो रहेंगे वो यहाँ पे अपना देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, और एक्स सर्विसमैन वाले यहाँ पे देख लीजिएगा। और टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट आप लोग देख सकते हैं कि पिछला बार इतना सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, इस बार उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट में इलेक्ट्रीशियन का है, जो कि यूआर में कितना गया था, तो 180 गया था। यानी कि समझ लीजिए कितना 90% कटअप गया था। ठीक है, 180 को 200 भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा 90%। ठीक है, तो 180.37 गया था यूआर में इलेक्ट्रीशियन का। एससी में गया था 175, एसटी में गया था 169 और ओबीसी में गया था 171। नेक्स्ट आप लोग फिटर का देख सकते हैं, यूआर में यहाँ पे गया था 160 और एससी में गया था 157 और एसटी में गया था यहाँ पे 135 कटअप। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में गया था 157। उसके बाद यहाँ मशीनिस्ट में आप लोग देख सकते हैं यूआर का 154 गया था, एससी में 148 गया था, उसके बाद एससी में 135 गया था और ओबीसी में 150 गया था। ठीक है, पेंटर में देखिएगा आप लोग, तो पेंटर में यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, तो देखिए 132 गया था यूआर में, 136 गया था एससी में और एसटी का यहाँ पे कोई यानी कि कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद ओबीसी में 124 गया था। उसके बाद देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, आरएसी, इसमें यहाँ पे यूआर में 127, उसके बाद एससी में 167, एसटी में 147 और ओबीसी में 160.58 इतना गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वेल्डर का, वेल्डर में 159 गया था यूआर में, 153 गया था एससी में, 142 गया था यहाँ पे एसटी में और 157 गया था ओबीसी में। नेक्स्ट है वायरमैन का, वायरमैन का 169 गया था यूआर में, 162 गया था एससी में, 146 गया था एसटी में और 165 गया था ओबीसी में। नेक्स्ट में ग्रैंड टोटल यानी कि करके बताया गया कि कितना सेलेक्ट हुआ था, 310 और सेलेक्टेड यानी कि इस प्रकार से, यानी कि यूआर में सेलेक्टेड, उसके बाद एससी में सेलेक्टेड और एसटी में सेलेक्टेड, ओबीसी में सेलेक्टेड, इस प्रकार से यानी कि बताया गया था। ठीक है, ये था अम्बाला क्लस्टर का। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पे आ जाता है हमारा दिल्ली क्लस्टर का। ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए ब्लैक स्मिथ का कितना गया था, तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो है यूआर में 143 गया था, उसके बाद एससी में 141 गया था, एसटी में 200 गया था गाइज। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं, उसके बाद ओबीसी में 132 गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कारपेंटर का आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रीशियन का देख लीजिए कितना गया था, तो यहाँ पे 177 गया था और एससी में 172 और एसटी में 169 और ओबीसी में 173। तो इस प्रकार से यहाँ पे गया है कटअप, आप लोग देख लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, और ये पीडीएफ वगैरह जो रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये रहा दिल्ली का, आप लोग जो है यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा ट्रेड का, देखिए ये लखनऊ क्लस्टर का है। ठीक है, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये कारपेंटर का है, सॉरी ये फिरोजपुर क्लस्टर का है, तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से। आई होप आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद जो है बस इतना ही है, यानी कि ये रहा फिरोजपुर का, उसके बाद यानी कि दिल्ली से निकला था और लखनऊ से है, आप लोग देख सकते हैं कि ये लखनऊ का है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली का इस जगह पर, उसके बाद गाइस पढ़िएगा तो अम्बाला का। ठीक है, तो ये सब यानी कि इतना क्लस्टर से यहाँ पे पिछला बार जो है नोटिफिकेशन आया था, इस बार भी लगभग लगभग इतना ही आया है और इस बार पोस्ट यानी कि 4096 है। तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कितना कटअप गया था पिछला बार का। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग जो 1-2% यानी कि बढ़ करके ही जा सकता है इस बार, 1% 2% आ तो 3-4% इतना बढ़ के जा सकता है। और सीट पर किस प्रकार से रहेगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बाकी जो इसका जब आएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट जब आएगा, कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा नवंबर में, तो मैं उस समय भी आपको जो है वीडियो बना करके बताऊंगा। और देखिए अभी बहुत सारा जो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप आया उसका नोटिफिकेशन का वीडियो बना करके दिखा दिए और फॉर्म भरने का भी प्रयागराज का बता दिए और भी बहुत सारा डिटेल्स जो रहता है वो मैं आपको चैनल में बताया हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। और हमने जो है किस प्रकार से अप्रेंटिसशिप किया था,
क्या क्या लगा था, सारा कुछ कैसे कैसे करवाया था, वो सभी सारा कुछ यानी कि चैनल में अपलोडेड है पहले से, तो आप लोग वो सब वीडियो भी चेक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और कोई तरह का नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है तो हम ईमेल दिए हैं हेल्प का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप लोग जो है हमको ईमेल कर सकते हैं, जिससे जो है यानी कि उसका आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और जो आपके पास अपडेट आएगा वो सभी को पता चल जाएगा उस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।